हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है माँ पापा रसोई में। आज हम बनाएंगे पनीर पुलाव। पनीर मटर पुलाव बहुत ही टेस्टी बनती है, हम कुकर में बना के तैयार करेंगे। बहुत ही अच्छी रेसिपी है, बहुत ही सिंपल रेसिपी है। तो हम बनाने की तैयारी करते हैं पुलाव। तो मैंने ले लिया है 2 कप चावल। चावल 2 कप लिए हूँ, चाहे आप किसी भी चीज़ से मेजरमेंट कर सकते, कटोरी या गिलास से। फिर हम इसमें पानी डाल के इसको अच्छे से धो लेंगे। 2-3 पानी इस तरह से रगड़ के, मैं 2-3 पानी धो ले रही हूँ इसको अच्छे से। इसको अच्छे से रगड़ के मैं 3 पानी धो ली हूँ। ये देखिए अच्छे से धो ली हूँ। आप इसको इसी तरह से ढक के छोड़ देते हैं। फिर ले हूँ मैं पैन। पैन में डालेंगे 2 बड़ी चम्मच तेल। तेल को गर्म होने देंगे। इसके बाद इसमें हम डाल देंगे पनीर को। सभी पनीर को डाल लूँ मैं। 1 पाव पनीर ली हूँ। फिर इसको उलट पलट करके अच्छे से गोल्डन होने तक सेक लेंगे। इस तरह से देखिए बहुत अच्छा कलर आ रहा है ना पनीर का। इस तरह से करके हम उलट पलट करके सभी तरफ से सेक लेंगे। पनीर अच्छे से सीख गया है। अब हम पनीर को निकाल लेते हैं। देखिए मैं पनीर को निकाल ली हूँ। अब मैं ली हूँ उसी पैन में और 2 बड़ी चम्मच तेल। फिर इसमें डालूँ मैं लंबे लंबे कटा हुआ प्याज। फिर इसको हम गोल्डन ब्राउन होते तक भून लेंगे। आप चाहे तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। मैं थोड़े ही तेल में फ्राई कर रही हूँ। फिर इस तरह से फ्राई करके इसको अच्छे से, देखिए अच्छे से फ्राई हो गया, इसको भी निकाल लेंगे। फिर ली हूँ मैं कुकर। कुकर को गर्म होने दी हूँ। फिर वही पैन वाला तेल को डाल दी हूँ। फिर तेल में डाल दी हूँ जीरा। फिर इसमें थोड़े से खड़ा मसाला, काली मिर्च मिर्ची, ये सब, लौंग, इलायची, दालचीनी, ये सब डाल के फिर इसमें डालेंगे कटा हुआ बारीक कटा हुआ प्याज। फिर इसको हम गोल्डन होने तक भून लेंगे थोड़ा सा। ये देखिए थोड़ा सा भून गया। अब इसमें डालेंगे हरी मिर्च। मैं 1 हरी मिर्च डाल रही हूँ, आप चाहें तो ज़्यादा। फिर डालेंगे काजू। फिर इसमें लहसुन अदरक का कद्दूकस किया हुआ डालती हूँ मैं। आप चाहे तो पेस्ट भी यूज कर सकते हैं। फिर इसको हम 2 मिनट के लिए भून लेंगे। फिर इसमें डालेंगे धनिया पाउडर और फिर इसमें डालेंगे पाव भाजी मसाला। फिर इसमें डालेंगे थोड़ी सी आमचूर पाउडर, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इससे। फिर इसको 2 मिनट के लिए भून लेंगे। फिर इसमें हम डालेंगे फ्रोजन मटर। अभी मटर नहीं मिल रहा है तो कोई सा भी मटर आप यूज कर सकते हैं। फिर इसमें डालेंगे नमक। नमक डालने के बाद इसको थोड़े से फिर भून लेंगे। देखिए भून गया। अब हम इसमें चावल को डाल देते हैं। धोया हुआ चावल को सभी को डाल देंगे। चावल डालने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा। देखिए इस तरह से। फिर इसमें हम डालेंगे फ्राई किया हुआ पनीर। फिर इसको भी मिक्स कर देंगे। देखिए इस मतलब मिक्स करते हुए भी चावल थोड़ा सा भून गया है। फिर इसमें डालेंगे हम जितना हम चावल लें उससे हम लोग डबल लेंगे पानी। तो मैं 2 कटोरी चावल ली हूँ तो 4 कप पानी डालूँगी। फिर इसमें हम फ्राई किया हुआ प्याज को डालेंगे। फिर अच्छे से मिक्स कर देंगे इस तरह से। फिर इसमें कसूरी मेथी डालेंगे, चाहे तो आप हरा धनिया भी डाल सकते हैं। फिर इसको भी अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर इसको ढक्कन लगा के 1 मीडियम फ्लेम पे 1 सीटी आने देंगे। देखिए सीटी आने के बाद ठंडा हो गया कुकर। अब हम चावल को चेक कर लेंगे, पुलाव को। देखिए बहुत अच्छे से खिला खिला पुलाव बन के तैयार हो गया है। अब हम इसको गर्म गर्म सर्व करेंगे। देखिए बहुत ही सुंदर कलर में पुलाव बन के तैयार हो गया है। इस तरह से हम पुलाव घर में इजीली बना सकते, बहुत ही टेस्टी बनते हैं दोस्तों। बच्चे बड़े सभी बहुत चाव से खाएंगे। इस तरह से एक बार आप भी पुलाव बना के जरूर देखिएगा दोस्तों, बहुत ही टेस्टी लगती है। आपको कोई सब्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना टेस्टी बनती है कि आप जैसे भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। सुबह हो या दोपहर हो या शाम हो, कभी भी बना सकते हैं।